कोलोन कैंसर एक तरह का कैंसर होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलोन जो होता है फाइनल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। जो कोलोन कैंसर होता है ये हालांकि जो एल्डर एडल्ट्स होते हैं उनमें कॉमनली होता है, ऑल्दो ये किसी भी एज में हो सकता है, पर ओल्डर एज के लोग ज़्यादा इसके प्रोन होते हैं। यूजली इसका जो ग्रोथ होता है ये कोलोन में छोटे छोटे नॉन कैंसरस क्लम्प्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं जिनकी ग्रोथ होती है जो कि पॉलिप्स जैसे होते हैं, और ये जो पॉलिप्स होते हैं ये कई बार ओवर द टाइम कैंसर में बदल जाते हैं। ये जो पॉलिप्स होते हैं हालांकि या तो काफ़ी कम सिम्टम या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर लक्षण देते हैं, तो इस कारण से जो डॉक्टर्स होते हैं रिकमेंड करते हैं कि टाइमली अगर स्क्रीनिंग करवाते रहते हैं तो जो पॉलिप्स हैं उसी स्टेज पे उनको मैनेज किया जा पाएगा और वो फर्दर जो कोलोन कैंसर है उसमें कन्वर्ट नहीं होंगे, उनमें उनका प्रोग्रेशन नहीं होगा। हालांकि अगर कोलोन कैंसर होता है वो डायग्नोज होता है तो उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, उसके अलावा इम्यूनोथेरेपीज हैं, टारगेटेड थेरेपीज हैं, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। कई बार जो कोलोन कैंसर होता है उसको कोलोरेक्टल कैंसर के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं जो रेक्टम का कैंसर होता है, कई बार वहाँ पे भी होता है कोलोन में भी होता है, तो उसको कोलोरेक्टल कैंसर के नाम से बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या लक्षण होते हैं जो कि कोलोन कैंसर में देखे जाते हैं कॉमनली, तो अगर आपके जो बॉवल बिहेवियर है उसमें लगातार आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया, या फिर जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो रही है, साथ ही साथ अगर रेक्टल एरिया से ब्लीडिंग हो रही है या फिर स्टूल के साथ में ब्लड आ रहा है, अगर परसिस्टेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, दर्द बना रह रहा है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, महसूस होता है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, एम्प्टी नहीं हो रहा है बॉल, तो भी ये सारे लक्षण। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा फटीग और वीकनेस, मतलब कि थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, तो ये जो सारे लक्षण हैं कोलोन कैंसर के साथ में एसोसिएटेड हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो कोलोन कैंसर से रिलेटेड सिम्टम्स हैं अर्ली स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं चलता है, और डिपेंड करता है कि क्या साइज है और किस जगह पे एग्जैक्टली जो कैंसर वो प्रेजेंट है, उसी हिसाब से लक्षण जो होते हैं पेशेंट के वो नज़र आते हैं और उसी हिसाब से सिम्टम्स में वेरिएशंस होते हैं। तो इनमें से कोई भी लक्षण अगर किसी पेशेंट को महसूस होता है तो डेफिनेटली उनको अपने डॉक्टर से बातचीत इसके बारे में करनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो जो ओल्डर एडल्ट्स हैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, तो ओवर 50 की जो एज है उन लोगों में ये जो कंडीशन है कॉमनली देखी जाती है। हालांकि 50 साल से कम लोगों में भी ये कंडीशन होती है, पर मैक्सिमम केसेस 50 साल से ज़्यादा के लोगों में पाई जाती है। उसके अलावा अगर पर्सनल हिस्ट्री है कोलोन कैंसर की, कोलोरेक्टल कैंसर की, या फिर जो कोलोन पॉलिप्स हैं, तो वो आगे फर्दर इन फ्यूचर वो कोलोन कैंसर में बदल सकते हैं। उसके अलावा इनहेरिटेड कंडीशन हो सकती है, कई सारे ऐसे जीन म्यूटेशंस होते हैं जो कि पास ऑन होते हैं जनरेशंस के द्वारा, तो वहाँ पे ये एज एन इनहेरिटेड कंडीशन भी हो सकती है। उसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है, आपकी ब्लड रिलेशन में किसी कोई प्रॉब्लम है, तो भी ये एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है। उसके अलावा किस तरीके का डाइट आप ले रहे हैं, अगर लो फाइबर एंड हाई फैट डाइट लेते हैं तो वो कोलोन कैंसर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ऐसी कंडीशन में कोलोन कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी हमारे जो बॉयल हेल्थ है, हमारा जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, उसको उसके लिए हाई फाइबर डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ पे इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वहाँ पे भी ये रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें अपने लाइफ में थोड़ी सी एक्टिविटी, थोड़ा सा एक्सरसाइज इन्वॉल्व करना चाहिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक्टिविटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज को ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, मोटापा इसका एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ओबेसिटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कोलोन कैंसर को कंपेयरिंग टू नॉर्मल वेट के लोगों से ज़्यादा। उसके अलावा पहले से रेडिएशन थेरेपी अगर पेशेंट को मिली हुई है अफेक्टेड एरिया में, तो वो भी कोलोन कैंसर को के लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है। साथ ही साथ अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग भी रिस्क फैक्टर्स हैं। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा उपाय इसका है कि स्क्रीनिंग अगर हम करवाते हैं टाइमली,
डॉक्टर्स यूजली रिकमेंड करते हैं कि 45 से ऊपर के जो लोग हैं उनको अपने कोलोन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करवानी चाहिए ताकि फ्यूचर में होने वाले किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पता चल सके। स्क्रीनिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके बारे में आपके डॉक्टर सही सलाह दे सकते हैं कि कौन सा तरीका अपनाना बेस्ट है, किसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और किसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह कीजिए। उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना एक बहुत बड़ा उपाय है कि हम किसी भी ना सिर्फ कोलोन कैंसर से बल्कि बहुत सारी बीमारियों से अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो बच सकते हैं। जैसे कि हेल्दी खाना खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, उसके अलावा एक्सरसाइज करें, साथ ही साथ एक नॉर्मल हेल्दी वेट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हेल्दी वेट आपके लिए हो सकता है, कितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, या आपके ओवरऑल हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है जिसके लिए आपके डॉक्टर आपको सही सलाह दे सकते हैं। साथ ही साथ स्मोक नहीं करना चाहिए, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो करके कोलोन कैंसर या कई सारी इससे इसी के जैसे और भी बहुत सारी कंडीशन से हम अपने आप को बचा सकते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी कोलोन कैंसर के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में, इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, इसके प्रिवेंशन के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में जानकारी हमने अपने दूसरे वीडियो में दिया है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए इससे जुड़ा दूसरा वीडियो देखना ना भूलें। इससे जुड़ा कोई भी सुझाव है या फिर इसके बारे में और कोई जानकारी आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।